हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको संज्ञा के बारे में बताया था। आज संज्ञा के बारे में बताया था, तो उसमें वैसे तो हमें बताना चाहिए था संज्ञा के विकार, जो विकारात्मक तत्व होते हैं। वो तत्व होते हैं लिंग और वचन। बता दे रही हूँ थोड़ा सा, हालांकि आज का जो वीडियो है वो सर्वनाम के ऊपर है। तो जो विकार तत्व होते हैं, जैसे बताया मैंने लिंग और वचन, तो मुझे नहीं लगता है लिंग या वचन के ऊपर हमें कोई वीडियो बनाना चाहिए। ये सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। और वचन, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन की पहचान कैसे की जा सकती है, तो ये आप सबको मालूम है। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। अगर आप चाहते हैं बनाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं बना दूंगी। फिलहाल हमने आज का जो हमारा वीडियो है वो है सर्वनाम पर, ठीक है ना। तो पहले हमने बताया आपको संज्ञा के बारे में, आज उसी के आगे का है सर्वनाम। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको बताया था? नाम को संज्ञा बताया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? जो हमने संज्ञा बताया था नाम, तो इसमें क्या होता है, उस डायरेक्ट नाम को ना लेकर उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? यानी संज्ञा होता है नाम, संज्ञा क्या होता है? नाम। और नाम की जगह जो हम दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे उसे बोलेंगे हम सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा यही रहेगी, डेफिनेशन, कि जो शब्द संज्ञा के, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि हमने कल, या चलिए वो लिखते हैं हम, जैसे राम खाना, ठीक है, खाता है। तो जो राम है यहाँ पर क्या है? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। अब हम राम को यहाँ काट दे रहे, हटा दे रहे, अगर हम यहाँ करते हैं वह खाना खाता है, तो यहाँ हमने राम को हटा दिया और वह खाना खाता है, वह शब्द यहाँ लिख दिया। तो ये जो वह शब्द है, राम एक नाम था तो राम संज्ञा है, और राम को हटाकर हमने उसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग किया है यानी कि वह, तो वह होगा सर्वनाम, ठीक है ना। यानी कि जैसे बोला कि जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर, तो यानी संज्ञा क्या है? ये राम, नाम, नाम किसी भी व्यक्ति का, इंसान का, मतलब जानवर का, जगह का, ठीक है ना, भाव का, किसी भी वस्तु का, चीज का, मतलब जो नाम, हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है, तो उस नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम डायरेक्ट नाम, नाम लगा, नाम ना लेकर उसकी जगह जो शब्द प्रयोग करेंगे, जिस शब्द से उसे संबोधित करेंगे उसे बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है ना। तो यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक ही शब्द बार बार लाइन रिपीट इसीलिए होती है ताकि आपको लर्न ना करना पड़े, समझना पड़े। मैं अपने जो आपके लिटरेचर का जो वो होता पोर्शन, उसमें भी आपको यही कहते हैं कि कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है, समझनी है। स्टोरी भी आप, जैसे क्षितिज का आपका था 10th क्लास का जो वीडियो बनाया था, उसमें भी क्षितिज के जो चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं, तो उसमें भी यही कहते थे रटना नहीं है, बस एक बार चैप्टर अच्छे से हमें मालूम, क्योंकि बड़ी क्लासेस जो होती हैं, बोर्ड्स होते हैं या बड़े होते हैं, तो उनमें कभी बुक के नहीं आते, जो भी है चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको चैप्टर अच्छे से मालूम है तो आपको कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, आप उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार अगर ग्रामर में आपको कोई भी डेफिनेशन है उसके बारे में अच्छे से पता है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज या सेंटेंस दे दिया जाए तो आप उसको कर लेंगे, एक ही सेंटेंस रटना नहीं है, ठीक है ना। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन तो यहाँ क्लियर हो गई, अब इसके रह गए हैं भेद, ठीक है। यहाँ किया हमने इसको इरेज, अब करते हैं इसके भेद। इसके भेद होते हैं, कितने होते हैं? छह। कितने होते हैं? सबसे बढ़िया, कल संज्ञा के पिछले वीडियो में हमने अपने बताया था संज्ञा के 5 भेद, हम सबको पीछे का भी थोड़ा थोड़ा अपना रिपीट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो संज्ञा के हमने बताए थे 5 भेद,
और सर्वनाम के क्या होते हैं? छह वेद। अगर ये छोटे बच्चे भी देखेंगे, फिफ्थ से लेके एट्थ तक के बच्चे, तो ये उनके लिए पीछे का इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि उन्हें पीछे का भी क्या करते हैं, आगे का तो हमने सीख लिया और पीछे का वो भूलते जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पीछे का भी रिपीट चलेगा। तो पीछे वाला जो हमारा वर्क है, जो मतलब हम चीजें सीख चुके हैं, वो उसका क्या होता जाएगा? रिवीजन। ठीक है, तो सर्वनाम के सॉरी संज्ञा के पांच भेद होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? छह। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले एक बार हम सबके नेम कॉल कर देते हैं यहाँ पे भेदों के नाम। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब पहला हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी अपने कितने भेद होते हैं? इसके भी तीन भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य, देखिए, जिन सर्व नाम, राइटिंग थोड़ा ऐसे ही रहेगा कि जल्दी जल्दी हमें करना है, ज्यादा आराम से लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमें वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य, ठीक है ना, के लिए है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके कितने भेद होते हैं? तीन बताए मैंने। तो पहला कौन सा? उत्तम पुरुष। अब ये सारे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सेकंड है मध्यम पुरुष, और थर्ड है हमारा अन्य पुरुष। ठीक, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ काम देखना है। तो पहला है जो हमारा जिन सर्वनाम शब्दों का शब्द, यहां दो बार हो गया, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य। अब पहला आ जाता है ये वक्ता, कि वक्ता कौन होता है, श्रोता क्या है और ये अन्य क्या है। वक्ता क्या होता है? जो बोल रहा है, जो मैं बोल रही हूं, ये कौन है? वक्ता, मतलब जो बोलने का काम कर रहा होता है वो होता है वक्ता, जो कि उत्तम पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता, यानी जो कोई भी वाक्य बोल रहा है। फिलहाल तो मैं बोल रही हूं, तो मैं यहां कौन हूं? एक वक्ता। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी जो उस बात को सुन रहा है, श्रोता। ठीक है, मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो आप कौन है? श्रोता। ठीक, बोलने वाले की जो बात सुनता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष यानी श्रोता। तीसरा है अन्य, यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी तीसरे पर्सन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, यानी मैं बोल रही हूँ किसी तीसरे के बारे में और आप उसे सुन रहे हो, तो वो तीसरा हो जाता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है ना, अन्य। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो एक देते हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैं आपको सीता, चलिए सीता नहीं लिखते, माता सीता लिख देते हैं, माता सीता के बारे में
बताती हूँ या बताती लिखती थी, ठीक है, बताती हूँ, ऐसा कर देते हैं, इतना सा लिख, ये हमने लिखा। अब मैं जो मैं आपको बता रही, तो ये तो हो गया वक्ता, क्योंकि जो मैं है वो बोल रहा है और आप कौन हो गए, श्रोता, ठीक है ना, श्रोता। अब अन्य पुरुष हो गई माता सीता, जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, यानी मैं आपको माता सीता के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जब मैंने आपको मतलब जो पहला पर्सन है उत्तम पुरुष, वो बोल रहा है या बता रहा है, आपको बता रहा है या किसी को तीसरे मतलब जिसे भी बता रहा है, वो हो गया मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता, और जिसके बारे में बता रहा वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो हमारा इसका एक भेद क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा भेद इसका निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है ये, पहला हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, अब जैसे कि नाम से इसमें पता चल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ कारक चिन्ह आते हैं, अभी हम जब कारक का चैप्टर एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको सारे कारक बताएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द पास, दूरी, व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूरी का बोध कैसे कराते, देखिए, जैसे दूरी का या किसी भी चीज का निश्चय बोध कराते हैं, जैसे आगरा यहां से 40 किलोमीटर चालीस किलोमीटर दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, 40 मीटर। तो यहाँ पर ये निश्चय कर रहा है कि जो दूरी है कितने किलोमीटर की है, 40 किलोमीटर दूरी पर है। या फिर किसी वस्तु के कि मेरे पास ये चीज है, मतलब कोई भी चीज के बारे में यहाँ पर मतलब कंफर्म हो जाता है, मेरे पास एक कुत्ता है या मेरे पास एक मार्कर है, मतलब किसी भी चीज का निश्चय होना वो कहलाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह श्यामू का कोट है, तो वह श्यामू का कोट है, जो कोट है वह श्यामू का कोट है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज निश्चय हो रही कि जो कोट है वो किसका है, श्यामू का है। और यहाँ पर आगरा कितनी दूरी पर है, 40 किलोमीटर दूरी पर, तो ये चीज निश्चय हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया निश्चयवाचक, दरवाजे पर राम खड़ा है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, राम खड़ा है, तो ये चीज क्लियर हो जाती है, तो वो होती है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमारा अगला है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, जैसे कि इसमें बताया, इसमें ये चीज क्लियर हो जाती है, पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये चीज क्लियर नहीं होती है। इसमें क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द का प्रयोग करके व्यक्ति के लिए तथा कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि दरवाजे पर, जैसा भी हमने पहला था निश्चयवाचक के लिए, दरवाजे पर राम खड़ा है, तो दरवाजे पे कौन खड़ा है, यहाँ पर बहन नाम बोला है, या दरवाजे पे वह खड़ा है, राम खड़ा है, तो यहाँ पर राम खड़ा है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, राम। तो ये तो हो गया निश्चयवाचक, क्योंकि वहां पर कौन खड़ा है, राम, ये निश्चयवाचक। अगर यहीं पर कोई वाक्य बना जाए, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई या कुछ करके शब्दों का प्रयोग करके पता किया जा सकता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है,
अब दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता, ठीक है ना। तो ये चीज कंफर्म नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चय। दूध में कुछ गिर गया है, तो दूध में गिर गया है, क्या गिर गया है, मच्छर है, मक्खी है, क्या है, कीड़ा है, पता नहीं, कुछ गिर गया। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही, समझ में आया। यानी अनिश्चय वाचक सर्वनाम के जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ या कोई कर होते हैं। तो जैसे कि बताया, दरवाजे पर कोई खड़ा है या तुम्हें कोई बुला रहा है, ठीक है ना, इसमें कुछ गिर गया है, इस तरीके से कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके अनिश्चय वाचक सर्वनाम बनाया जाता है। अब यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम का क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द दूसरे उपवाक्य में आए हुए संज्ञा, मतलब जो सर्वनाम शब्द होता है वो दूसरे उपवाक्य में आए हुए सर्वनाम या संज्ञा से एक संबंध बनाते हैं, ठीक है ना। एक सर्वनाम शब्द, जो वाक्य में सर्वनाम शब्द होते हैं वो दूसरे आए हुए उपवाक्य का संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जब वो संबंध बनाते हैं उन्हें कहते हैं, संबंध प्रकट करते हैं उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि बोलेंगे, यहाँ थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया, यानी कि जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, ठीक है ना, संबंध प्रकट करते हैं। अब कैसे प्रकट करते हैं, देखिए, जैसे जैसा देश वैसा भेस, ठीक है, जैसा देश वैसा भेस। जैसा देश वैसा भेस, या बोला जाए जैसे ये बोलते जाते जो क्या है, जैसा उसकी, हाँ, जिसकी उसकी, अब जैसा वैसा, ठीक है ना, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मतलब एक जो सर्वनाम शब्द, जैसे यहाँ पर जैसा शब्द आया सर्वनाम, अब दूसरा उपवाक्य यानी वैसा, उपवाक्य यानी जो दूसरा उपवाक्य है इसका इससे संबंध प्रकट कर रहा है। अब कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो जिसकी और उसकी, मतलब जिसकी किसके साथ ही उसका संबंध कर रहा है, यानी जिसकी लाठी है उसी की क्या है, भैंस, ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये तो खैर वैसे ही हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, समझ में आया। यानी एक सर्वनाम शब्द का दूसरे उपवाक्य में आए हुए सर्वनाम या संज्ञा से जो संबंध प्रकट होता है इसे कहते हैं संबंधवाचक
सर्वनाम। अच्छा ये हो गया। अब हमारा पांचवा है जो कि सबसे इजी होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता ज्यादा बताना पड़ेगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों, किसके, कैसे, कहाँ, किस लिए, तो ये जो शब्द जहाँ प्रयोग किए जाते हैं तो वो होते हैं सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने खाना खा लिया। तो इस तरीके से जब प्रश्न किए जाते हैं किसी भी वाक्य में तो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा लास्ट बुक है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी स्वयं, जिन वाक्यों में स्वयं के लिए कार्य होता है, मतलब स्वयं का बोध जो कहा जाए कि जो वाक्य निजता है ना, जिसमें बोलते हैं ना प्राइवेसी बोलते हैं, स्वयं के लिए, खुद के लिए वाक्य जो सेंटेंस जब बनाए जाते हैं जिसमें निजता प्रकट होती है या स्वयं खुद के लिए जो होता है बोध कराते हैं, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए या बोला जाए निजता के लिए करता है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखते हैं, लिखते हैं जिन वाक्यों में कर्ता जो कर्ता स्वयं खुद या निजता प्रकट करता है। अब कैसे, जैसे मैंने अपना खाना बना लिया, मैंने अपना खाना स्वयं बना लिया, ठीक है ना। तो यहाँ जो कर्ता है यानी मैंने अपना खाना क्या कर लिया, स्वयं बना लिया, मैंने अपना पाठ खुद पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये जो शब्द प्रयोग किए गए ये क्या है, यहाँ पर निजता का प्रयोग करा रहे हैं, मतलब कर्ता अपने लिए जो कार्य है वो खुद कर रहा है, मैं उसका खुद पता लगा लूंगा। तो यहाँ पर आज ये हमारा जो सर्वनाम के थे, कुछ जो भेद थे उनको मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा अब यहाँ पर सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव क्या है, देखिए जैसे कि इस अध्याय में हमने पढ़ा कि सर्वनाम में कारक वचन के बदलने के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। कारक और वचन, कारक क्या होता है, जो हम बीच में कारक एक चिन्ह होते हैं, परसर्ग चिन्ह, जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए का, की, के, ने, के लिए, उसके, ये शब्द जो प्रयोग करते हैं ये क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, परसर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। और वचन, इनके प्रयोग करने से जो क्या होता है, वाक्य में बदलाव आ जाता है, एक विकार उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार लिंग के कारण सर्वनाम में कोई विकार उत्पन्न नहीं, मतलब इनके कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब लिंग का हम प्रयोग करते तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है लेकिन लिंग के कारण परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ अगर हम लड़के के लिए हो गया मैं पढ़ रहा हूँ, और जब लड़की का हो जाएगा तो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई सेंटेंस में कोई बदलाव आया नहीं आया। दूसरा है हम भोजन कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हम भोजन कर रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आता। अब सर्वनाम प्रयोग के कुछ नियम, सर्वनाम प्रयोग के कुछ नियम है यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ मैंने नोट्स थोड़े तैयार किए थे। तो देखिए जैसे है, अन्य पुरुष बहुवचन का सर्वनाम, उन्होंने आदर का भाव प्रकट करने के लिए के कारण एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष बहुवचन का जो सर्वनाम होता है उन्होंने, ठीक है ना, सर्वनाम का जो अन्य पुरुष होता, जैसे मैंने बोला ना उन्होंने, तो ये किसके लिए होगा, अन्य के लिए बोलेंगे। जैसे मैं कह रही उन्होंने कल मेरे लिए एक तोहफा भेजा, तो मैं श्रोता को बता रही हूँ उन्होंने, जो उन्होंने शब्द जो प्रयोग किया है
ये किसी को आदर प्रकट करने के लिए एक बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के लिए ही हम ये बहुवचन वाला शब्द प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? किसी को आदर देने के लिए। समझ में आया? ये अन्य पुरुष का एक शब्द है। जब हम किसी एक ही व्यक्ति, किसी एक पर्सन को, मतलब यहाँ पर एक वचन से है, ठीक है ना, उसको आदर प्रकट करने के लिए दिया जाता है। तो दूसरा है अब उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द हम, तुम, एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। जैसे हम चलते हैं, ठीक है ना, चलो तुम जाओ, हम चलते हैं। या फिर बोला जाए, जैसे हम का अर्थ है यहाँ पे आता है अब मैं चलता हूँ से, हम चलते हैं से। तो जो हम शब्द है तो यहाँ पर क्या है, हम और तुम एक व्यक्ति के लिए होता है। कभी कभी हम जैसे मैं भी बोलते हैं या हम बोल देते हैं। एक जो हम शब्द है जरूरी नहीं है ये बहुवचन हो। हम और तुम शब्द वैसे जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो हम और तुम को किस में करते हैं, प्लूरल में यूज किया जाता है। पर हिंदी में क्या होता है, जो हम और जो तुम शब्द है ये एक वचन में भी कहते हैं ना। अब बहुत देर हो गई, हम चलते हैं, ठीक है ना, मैं चलते हुए भी बोलते हैं। कभी कभी कहते अच्छा हम चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आप दो चार लोग, आप अकेले को भी बोलते हैं हम चल रहे हैं। तो ये एक वचन में, हम चल रहे से मतलब मैं चल रहा हूँ या मैं जाता हूँ, तुम अब जाओ, तुम अब जाओ। तो तुम यानी हम एक छोटे बच्चे से भी कह देते तुम जाओ, एक अकेला है तो भी कह दे बड़े से तुम जाओ या तुम आ जाओ। तो ये जरूरी नहीं है तुम में दो चार लोग, तो जो तुम शब्द है वह भी एक वचन के लिए प्रयोग होता है। अच्छा अगला देखिए, जो आप शब्द से बना आपा शब्द परस्पर के अर्थ में आता है, जिसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकरण कारक में किया जाता है। जैसे आप शब्द से बना एक शब्द है आपस, ठीक है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, केवल संबंध के लिए। आपस की लड़ाई ठीक नहीं है यहाँ पर, मतलब दो लोग हैं उनके संबंध, यानी दो लोगों के बीच लड़ाई एक अकेले में तो होती नहीं है, दो लोगों के बीच होती है लड़ाई। तो फिर हम आज का वीडियो यहीं, नियम तो बहुत है, फिर वीडियो भी बड़ा हो जाएगा डिटेल में बताने के लिए, हम फिर आगे कभी देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, लाइक एंड कमेंट जरूर दीजिए। ओके, अपने नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, टेक केयर।